हाथ रहेगा, सुन ध्यान से बाबू, क्या रहेगा माने कभी भी देखो दीर्घात समीकरण का सूत्र ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये होता है देख लो काची ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। अगर दो घात आ गया तो दीर्घात समीकरण है, और नहीं आएगा तो नहीं है। अब आपको हम बताते हैं पहले उदाहरण नंबर एक, उदाहरण नंबर एक प्रश्नावली 4.1 के, तब आगे हमने के दूसरा का उदाहरण भी बता देते हैं। एक नंबर देखो क्या कहता है उदाहरण, तने बहुत बढ़िया समझना, सुनो ध्यान से बाबू। अच्छा इसमें एक ट्रिक और ही लिख लेना तनी, तब उदाहरण बताते हैं। लिखना कि दूसरा में तनी नोट में लिख लेना कि इसमें केवल एक्स मानते हैं, इसमें केवल क्या मानते हैं एक्स मानते हैं, वाई नहीं मानते हैं, वाई नहीं। हाँ ये बड़ी बात याद रखना, एक पहले क्या करते थे ना, पहला संख्या में एक्स मानते थे तो दूसरा में वाई मानते थे, इसमें ऐसा नहीं होगा। पहला में एक्स तो दूसरा में भी एक्स से रहेगा, लेकिन उसका भाव बदल जाएगा, वाई इसमें नहीं मानेंगे। अब आते हैं देखो उदाहरण एक के पास, तेरे खूब बढ़िया देखना भाव समझना, उदाहरण एक के पास उदाहरण एक कह रहा है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में लिखना है, किस रूप में लिखना है, दीर्घात समीकरण जब बन जाएगा तो उसको छोड़ देना है, हल नहीं करना है। मान ये कह रहा है गणितीय रूप में इसको लिखना है, गणितीय रूप में लिखी इसको हल नहीं करना, ठीक है, खाली बस गणितीय रूप में लिख के छोड़ देना। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मैं तो नहीं पढ़ रहा हूँ। जान और जीवंती दो व्यक्ति का नाम है, कौन है, जान और जीवंती दोनों के पास 45 कांच है, 45 है, सुनो मान लो हम जान भाई, मान लो वैभव जी जीवंती, आ दोनों जाने के मिला के हम ही गोली खेलते वो गोली खेलता है, अब 45 गोली हम लोग के पास है, गोली का मतलब कंच है वही। अब क्या होता है आगे सुन लो कहानी में, पांच-पांच गोली हम लोग खो देते हैं, हम और जितना पास मैंने दोनों जाने की मिलाकर 45 गोली है, अब पांच हमारो गोली खत्म भुला गई, अब पांच इसका भी गोली भुला गई। आगे सुनो क्या कहता है, अब जो गोली बचता है उनका गुणनफल 124 है, इनको गोली में से पांचों ख़त्म और मेरा भी गोली में से पांचों ख़त्म, और जितना गोली बचा हम दोनों का गुणनफल कितना हो रहा है 124। तो दोनों के माने हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभ में दोनों के पास कितना गोली होगा, कितना कंचे होंगे, तेरे दिमाग लगाओ। इस सवाल में तीन टॉपिक आपको दिखाई देगा, पहला टॉपिक कि जान और जीवंती दोनों के पास 45 कंचे हैं, दोनों के पास अलग अलग नहीं, दोनों को मिलाकर, ये नहीं क्या मालूम कितना हम अलग होगा कितना इनका अलग होगा, लेकिन दोनों को मिलाकर 35 है, पहला ये टॉपिक है। और दूसरा का ये टॉपिक है कि हम लोग दोनों पाँच पाँच गोली को खो देते हैं, दोनों पाँच पाँच गोली में क्या करते हैं खो देते हैं। और तीसरा का टॉपिक वा कि दोनों का गुणनफल 124 हो जाता है, तो हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभ में दोनों के पास कितनी गोली थी, कितने कंचे थे। अब आप मुझे बताइए इस सवाल में आप तो वाई माने नहीं, अगर ये तीसरा पार्ट का सवाल होता तो पहला आप क्या करते हैं, जान के पास कंचों की संख्या को एक्स मान लेते, आ जीवंती के पास कंचों की संख्या को क्या मान लेते, वाई मान, लेकिन इसमें नहीं मानेंगे हम, इसमें इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि हमें दीर्घात समीकरण बनाना है, दीर्घात का मतलब होता है कि दो घात होना चाहिए, आ जब दू गो एक्स मनाई तबे न एक्स में एक्स लड़ी तो एक्स में दू गई हो, अगर एक्स वाई मान लोगे तो कब दीर्घात बनेगा ही नहीं, एक्स अगर वाई में करोगे तो एक्स वाई हो जाएगा, लेकिन हमने की स्क्वायर चाहिए इसलिए एक्स एक्स मानेंगे इसको। तो चलो अब हल करें, तो पहले माना कि जान के पास कंचों की संख्या कितना मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, टाइम नहीं है मेरे पास आपसे बात करने के लिए, चलिए माना कि जान के पास कंचों की संख्या, अरे यार आसान सवाल है सभी को, कितना हो गया भाई, एक्स हो गया। अब लिखेंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या, हाँ
अरे 45 माइनस एक्स काहे होता हो? अरे हमनी के तूने जानी के मिला के 45 को, अगर इनके एक से मना गए तो हमारे कितना 45 माइनस एक्स, अगर उनका लगे 10 को गोली बा तो हम लगे कितना 50 माइनस 10 यानी 45 माइनस 10 तो 35। अगर मतलब जितना उनका लगभग उतना में हमारे घटे था ना, तो ही अगर हमने के जान के पास एक्स बा तो जीवंती के पास 45 माइनस है। ए जान, जान के पास सेक्स तो जीवंती के पास 45 माइनस। अब आ जाओ सीधे आ जाओ प्रश्नानुसार। अरे जान एक आया इसीलिए कहा है, दोनों पांच पांच कंचे को खो देते हैं। ए बाबू तन देखा, मान लो कि जान के लगे बा एक से तो पांच को ही खो डालस तो पांच को माइनस करे पड़े ना। आज जीवंती के पास कितना बा 45 माइनस एक, केहू में से पांच को देवे के, आ दोनों के गुणनफल कहते तो गुणा कर दो, आ कितना को आता 124 तो 124 यहाँ पर लिख लो, दिखा गया समझ में आया। अरे यार जान भी पांच को खो दिया तो पांच घटा दो, आ जीवंती भी पांच को खो दिया तो पांच घटा दो, अब क्या होगा जरा सोचो। हाई होगा एक से माइनस पाँच, हाई 45 में जो पाँच घटा दो 40, तो 40 माइनस एक्स बराबर 124। अब है ना जा लोगे, अब है ना देख लोगे खूब ध्यान से तू लोग, अब आराम से एक्स का गुणा 40 में करोगे तो 40 एक्स, फिर एक्स का गुणा एक्स में करोगे, अरे दू गए एक्स होता वो तो माइनस एक्स पर दू, अब भाई 5 से गुणवा 40 में हुई तो 200, अभी 5 से गुणवा 1 से में हुई तो माइनस में प्लस 5 एक्स, अब बराबर कितना हो गया 124। कौन एक जात के बा हाई का बा, पहले तो हाई लिखा जाओ, हाई माइनस एक्स स्क्वायर, भाई 5 को 40 के एक जात के है ना जी, तो लिखा जाओ 45 एक्स, हाई बचल माइनस 200 तो 200 है ना, लिखा जाओ कि माइनस 124। अरे एक जात के वही से कह रहे भाई, माइनस एक्स स्क्वायर आप 45 वहीं में उतरा जाओ, आ 200 में 124 घटा देवे के तो माइनस नहीं घटी ना झूठी तो 324 हो जाए बराबर 0। ये सब माइनस कॉमन ले लेवे के, माने पहला पद हमेशा प्लस में रहे के चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 45 से माइनस में प्लस 324 बराबर 0। अब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324 बराबर 0, आई हम लोग का आंसर आ गया। कि खाली गणितीय समीकरण बनाकर क्या कर देना छोड़ देना, बताओ सब लोग समझ गए इसको ना, बहुत बढ़िया सवाल था ये, खाली बस आपको इतना बना कर छोड़ देना, हल नहीं करना, समझ में आया जान और जीवंती वाला, हाँ तो याद रखें। अब हम निकाल ली बर्तन के पास, चलिए दूसरा सवाल देखो, पूरा खिलौना के पास, अच्छा यो सवाल ला जवाब बा, अच्छा पूरा समझ में आ गया ना, सजरा यहाँ लग जाए। देखो एक कुटीर उद्योग, कुटीर माने होता है माने छोटा छोटा वस्तु बना देना, जैसे खैचा बनता है, खैची बनता है, दौरी बनेला, कपड़ा लोग सिएला, माटी के बर्तन बनेला, ये सब कौन उद्योग होता है? हाँ तो कहानी क्या कहता सुन ला, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौना बनाता है, एक दिन में कुछ क्या बनाता है, आप लोग खिलौना से खेले होंगे और अब आप बंदूक से खेलेंगे, समझ रहे बात को, किससे खेलेंगे हम लोग? हाँ बंदूक से खेलेंगे। अभी आपको मैं कहानी बताता हूँ, खिलौना बनाता है और सुनो और कहानी आगे का कह रहा सुना, एक दिन में जितना खिलौना बनता है देखो लिखा है ना, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण के खिलौने की संख्या को घटाने पर, 55 में से एक दिन में मान लो खिलौना बनाता है एक्स, एक दिन में कितना बन रहा है एक्स, तो कहता 55 में से एक्स घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर होता है, तो किसी एक दिन कुल निर्माण कितना है 750 था, तो इस दिए गए खिलौने की संख्या बताना, देखे मैं कुछ करे के नहीं कहे एकदम आराम से समझो, पहले लिखना लाए लाए, माना कि एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या, बनाए गए खिलौनों की संख्या, हाँ
खिलौनों की संख्या एक्स, माने एक दिन में इतना खिलौना बना, कोई दिक्कत ना। अब सुना आज सीधे प्रश्न अनुसार कहा था कि 55 में से एक्स घटा दो, आज इतना एक दिन में खिलौना बनता है उससे गुणा कर दो एक्स से, आज कितने के बराबर आता है 750 रुपये। सब लिख लवा पहले बनो कि 55 में से एक दिन में जो खिलौना बनता है एक्स बनता है ना, उसको घटा दो, आप ही जितना खिलौना है उसका गुणा कर दो, बराबर 750। अब तू लाहे लाहे बताओ एक से गुणा 55 में करबो तो कितना हो जाए, 55x हो जाए, और फिर एक से गुणा एक्स हो तो कितना हो जाए, हमारा बस 750 हो जाए। यही लिखा जा -x² + 55x - 750 = 0। जैसे माइनस का मान लेला तो 1² - 55x + 750 = 0। x² - 55x + 750 = 0। ये हमने कह गए धन सवाल, समझ आ गया। तो ये सवाल था, अब जिसको नोट करना है कर लो, तब आगे बढ़ाए। तो उदाहरण दो, उदाहरण देखो बाबू क्या कह रहा है, ये तो समझ लो, जो लोग नहीं लगा पाए थे, आपको बताना है कौन दीर्घात समीकरण है कौन नहीं है, जिसके ऊपर दो घातों का दीर्घात है नहीं है तो नहीं है। जैसे पहला उसमें दिया है x - 2, इसके ऊपर 2 + 1 = 2x - 3, और दूसरा आपका दिया है, दूसरा आपका x और x + 1 + 8 = x + 2 और x - 2, और तीसरा है x (2x + 3) + x² + 1, और चौथा आपके पास है x + 2 / 3 = x / 3 - 4। चलो देखो, जो बच्चे कमज़ोर हैं एक ज़िंदगी में अपने सुधार ज़रूर कर लेना, कि जब भी टीचर बताएं ब्लैकबोर्ड पर ज़रूर देखना, तभी आप आगे जा पाएंगे। अब ये चार सवाल है, इसको कैसे हल करना है। देखो पहले तो ये आप देख रहे हैं यहाँ से सबको तुर दो a - b² पर a² + b² - 2, एकदम निश्चित है ना, उसी पर तो है। तो यहाँ पर हो जाएगा x² + जैसे a i - b है +2² = 4 और -2ab, आइए कहते एक लिख लो, इसको उधर ले लो -2x, आई माइनस देता +3 = 0, आई x² अच्छा देखो ये दोनों एक ही जात का है, 4 यहाँ पर है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, 3 × 1 = 4, 4 × 4 = 8 हो जाएगा। आई देखो -2 × 4x, आई -2x, दोनों जुट जाएगा -6x = 0। अब देखो इसके ऊपर 2 घात आ गया, कितने घात आ गया, लिखा जाएगा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण, सिंपल बात, समझ में आया। अरे 2 घात होगा तो द्विघात समीकरण हो जाएगा आपका, इसको आ जाओ, चलो आके ए में गुणा करो, फिर ए में ये 8 पे नहीं गुणा करना है, केवल आपको किसमें करना है इसमें, तो x * x में करोगे x² फिर x * 1 में करोगे तो x * 1 में करोगे तो x होगा +8, अच्छा इसका भी गुणा कर दो, फिर x * 2 में करो, फिर 2 * x में करो, आई माइनस कितना आ जाएगा, 4, सबको उठा के इधर कर दो, तो x² + x + 8 - x² आई कट गया है, प्लस माइनस है तो कट जाएगा, आई -4 है तो +4 = 0, देखो आई एक जात के बाद यो कट गई, आई बच गया x, और 8 कितना 12 = 0, इसके ऊपर भी 2 घात नहीं है, तो लिखा जाएगा द्विघात समीकरण, हो गया, समय में आया ना। अच्छा आ जाओ इधर, यहाँ देखो, अब इसका गुणा इसमें करो, चलो फिर इसका गुणा इसमें करो, तो कितना आ जाएगा 2x / 2, x * 3 में करो 3x = x² + 1, और दोनों को उठा के इधर कर दो, 2x / 2 + 3x - x² - 1 = 0,
तो देखो एक ही जात का है इसमें, आई का आई दो भाई दो भाई की जात का है, तो दो में से एक चला जाएगा एक्स स्क्वायर भाई तीन एक्स माइनस एक बराबर जीरो। इसके ऊपर कितना घात है, दो दो घात है, तो लिखा जाएगा यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। अच्छा अभी देखो इसको ए प्लस बी के होल के ऊपर तोड़ना है, याद है आपको फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए भी छोटा क्वेश्चन ए प्लस बी। तो चलो एक्स पर तीन प्लस दो पर तीन प्लस तीन ए बी और छोटा क्वेश्चन ए प्लस बी बराबर है जगह बा एक्स पर थ्री माइनस चार रही है दिखा दिया, तो एक्स पर थ्री रही भाई आठ हो जाए भाई तीन दूना छः लेकिन छः से गुनाई में कर दो छः एक्स पर दो फिर छः दूना बारह एक्स फिर इसको इधर लेकर आओ माइनस एक्स पर थ्री और प्लस चार बराबर जीरो आराम से लगाओ कब। अच्छा देखो ना एक जात के बाद ही गई प्लस माइनस वाला भाई बा कौन जात के लोग कहते में ना दो अगले नहीं कहेंगे लिखा जाए भाई ये कहला बा भाई का तू का भाई घर है भाई घर है, इसके बता दो घात आ गया भाई तो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण यही उदाहरण था आपका। अब समझ में आ गया ना, जिसके ऊपर दो घात होगा द्विघात समीकरण होगा, जिसके ऊपर नहीं होगा द्विघात समीकरण नहीं होगा, हल कर सकते हैं अपने अका इसको उतारोगे पूरा किताब में दिया है, देखो नहीं समझ में।